Hello guys, I'm new in YouTube channel, so do like, subscribe and share my channel and press the bell icon for new updates regularly. Okay, I will delivering lectures of graph theory. So let's start with what is graph theory. Okay, in graph theory basically we study about all types of graph and their applications as well. Okay, so what is graph? Graph is a set of edges and vertex. Okay, like in this figure, the A, B, C, D are nodes and E1, E2, E3 and E4 are edges. Okay, that's why we are saying that graph is a set of edges and vertex. Okay. And Leonhard Euler is father of graph theory. जो हमारे Leonhard Euler थे, उन्होंने क्या किया है? Graph theory को invent किया है. Okay, so ये हमारे figure, एक figure है कि second figure है आपका. अब इस figure में क्या है? देखिए, ये direction नहीं given है. हमें नहीं पता कि A to आपका यहाँ पे जैसे E है, suppose, ठीक है? A to E आपकी एज जा रही है या E to A जा रही है, इसमें हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है. तो ऐसे ग्राफों को हम क्या बोलते हैं? अनडायरेक्टेड ग्राफ. ठीक है, ऐसे ग्राफ आपके अनडायरेक्टेड होते हैं. और जो नेक्स्ट फिगर है आपका फिगर बी, इसमें आपका क्या है? आपको डायरेक्शन गिवन है. देखिए डायग्राम में, जैसे B to A आपका एरो जा रहा है, तो आपकी डायरेक्शन किस में है? बी टू ए है. तो ये कौन सा ग्राफ होते हैं? ऐसे ग्राफ आपके होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ. ओके, एंड एप्लीकेशंस हैं, सबसे पहले है कि कहाँ पे आपका ग्राफ थ्योरी आपका यूज हो रहा है? जॉब शेड्यूलिंग में, डेटा ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे हम कोई भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क करवा रहे हैं, हम म्यूजिक चला रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जो जॉब शेड्यूलिंग है, जैसे हमारे हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हमने जो चीज़ पहले प्रेस करी है पहले वो चीज़ हमें मिलेगी. पहले अगर मैं म्यूज़िक प्लेयर चला रही हूँ तो पहले म्यूज़िक चलेगा. आफ्टर सम टाइम, कोई टाइम अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ साथ में साइमल्टेनियसली, तो क्या होगा? दूसरी जॉब मैं कर रही हूँ, यानी कि कोई काम मैं कर रही हूँ, तो उस चीज़ में भी हमारा क्या होता है? ग्राफ की हेल्प से ही ये जॉब शेड्यूलिंग और डेटा ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा कंप्यूटर में. ऐसी है फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ. कोई भी हमें पाथ फाइंड करना है शॉर्टेस्ट, नेटवर्क में ये ज़्यादातर काम होता है या डा में हम पढ़ते हैं. फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होता है? कोई भी ग्राफ हमें गिवन है, अभी कोई सिटी का आप मैप ले लो, तो आपको किसी जगह जाना है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो ये भी किसकी हेल्प से होता है? ग्राफ थ्योरी. ऐसे गूगल मैप्स है आपका, तो गूगल मैप्स के अंदर आपका क्या होता है? जो लोकेशंस होती हैं उन्हें हम एज अ वर्टेक्सेस लेते हैं, और जो रोड्स हैं आपकी लोकेशन में, जैसे जो रास्ते हैं वो क्या है? आपकी एजेस हैं. तो ये जो एप्लीकेशन है ये तो आपकी कंप्यूटर साइंस के लिए है. ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए अलग होती हैं, सम मेडिकल्स में यूज होता है ग्राफ का. ठीक है, तो इसकी मल्टीपल आपकी क्या होती है? एप्लीकेशंस होती हैं. थैंक यू गाइज़.